हेलो एवरीवन वेलकम टू अभिपीडिया सी सेट टुडे वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस पे से हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है इजी क्वेश्चन होता है जैसे कि हम सी सेट की बात करते हैं तो लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को आपको स्टेटमेंट को एक तरह से समझना है और उसके बेस पे उसको आंसर करना है ओके तो देखिए कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखिए क्या है क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके पास कह रहे टू थर्ड ऑफ कंसाइनमेंट वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ सिक्स कह रहे कि जो टू थर्ड कंसाइनमेंट है वो कितने परसेंट प्रॉफिट पे सेल करिए सिक्स परसेंट के प्रॉफिट पे सेल कर दिया ओके एंडस्ट एट ए लॉस ऑफ थ्री परसेंट और बाकी थ्री परसेंट लॉस पे सेल करी है इफ देयर वॉज ओवरऑल प्रोफिट ऑफ फाइव फोर्टी रुपीज देन दैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट वॉज यस क्वेश्चन अगर आप कहो कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपके पास में डायरेक्टली प्रॉफिट फाइंड आउट करना लॉस फाइंड आउट करना नहीं आते ठीक है क्या है कि थोड़ा सा स्टेटमेंट लॉजिकल गिवन होगी अब जैसे यहीं पे है क्या है आपके पास में यस yes. कोई CPSP का रोल रही है सिंपल सा क्या कह रहा है कि consignment है जिसको सेल किया है टू थर्ड को सिक्स परसेंट प्रोफिट पे दैट मीन कि जस्ट हम क्या प्रॉफिट देखेंगे और दूसरा कह रहा है कि जो रेस्ट है रेस्ट दैट मीनस कि वन थर्ड जो वन थर्ड पार्ट है that is sale at 3 loss. तो overall उसको जो प्रॉफिट हुआ है दैट इज फाइव फोर्टी रुपीज क्लियर तो बताओ कंसाइनमेंट की वैल्यू क्या है लेट अस से कि जो कंसाइनमेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास में टोटल वैल्यू टी है ठीक है अब पहले पे उसको प्रॉफिट हुआ है सिक्स परसेंट का दैट मीन्स क्या कहूंगी मैं सिक्स परसेंट ऑफ टोटल ठीक है अब टोटल का कितने पे है टू थर्ड पे टोटल को अगर मैं टू थर्ड कंसीडर कर रही हूं तो टू थर्ड कितना हो गया टू बाई थ्री सिंपल कितना हो गया टू बाई थ्री डी तो ये हमारे पास में प्रॉफिट आ गया ओनली हमने सेलिंग प्राइस नहीं फाइंड आउट करना कोई सीपी का कुछ नहीं करना सिंपल ये देखो कि उसने क्या कहा कि प्रॉफिट टू थर्ड के ऊपर उसको सिक्स परसेंट का प्रॉफिट हुआ तो हमने क्या कहा कि टू थर्ड के ऊपर उसको सिक्स टू थर्ड जो है उसके ऊपर उसको इतने का प्रॉफिट हो गया टोटल कैसे ठीक है अब बचा कितना हमारे पास में वन थर्ड और वन थर्ड पे क्या कह रहा है लॉस हो रहा है तो लॉस को उसमें से जो टोटल प्रॉफिट हुआ है उसमें से लॉस को माइनस कर देंगे तभी हमें पता चलेगा कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ है तो माइनस कर देंगे हम कितना तीन परसेंट का प्रॉफिट परसेंट मींस व्हाट डिवाइडेड बाय हंड्रेड अब क्या कह रहा है यस yes, लॉस हुआ है कितने पे वन थर्ड पे और ये वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास में दिस इज फोर फिफ्टी कितना गिवन है 450 गिवन तो अगर हम इसको पूरे को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई यस yes. इसको हमने सॉल्व किया ये हो गया यस दिस इज 40 एंड 20 40 में से 20 माइनस क्या दिस इज 3 3 बाय 100 t इज इक्वल टू 540 18 सो टोटल की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में दैट मींस टोटल कंसाइनमेंट कितने रुपए की है दिस इज ऑफ 18000

ओके okay. अब एक बार आपके so, डिस्काउंट होगा नहीं ऐसा नहीं होता है, जब भी आपके पास सक्सेसिव का केस होता है तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज में फर्क पड़ता है तो यहाँ पे दो मेथड है एक तो आप क्या कर सकते हो कि एग्रीगेट इसके अंदर ओवरऑल कितना डिस्काउंट बनेगा उसको आप फाइंड आउट कर लो एंड इस पे चेक करेंगे हम कितना डिस्काउंट बनेगा

अब डिस्काउंट दैट मीन्स की जो टोटल है टोटल से मुझे कम पे करना पड़ेगा दैट मीन्स की क्या करेंगे माइनस भी टोटल 100 परसेंट देना पड़ता है 10 परसेंट का डिस्काउंट दे दिया दैट मीन्स की मुझे अब सिर्फ 90 परसेंट पे करना है ओके okay? तो कितना रह गया 90 दिस इज 90 बाय 100 ओके okay? फिर 10 परसेंट का डिस्काउंट दैट मीन्स की 90 बाय 100 और फिर 30 परसेंट का डिस्काउंट दैट मीन्स की कितना हो गया 70 बाय 100 सॉल्व करेंगे Sol करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आउट होगी ये दो जीरो मुझे इतना पे करना पड़ेगा ओके okay? अगर हम बात करते हैं सेकेंड के तो सेकेंड के अंदर कितना हो रहा है अगेन वैल्यू इज टेन थाउजेंड क्या कह रहे? रहे हैं पहले फोर्टी परसेंट का डिस्काउंट दे दिया

ठीक है ये हो गया हमारे पास थ्री इसको करेंगे हम पांच से पांचों के बीस और ये हो गया हमारे पास में उन्नीस है ना ये ऐसा कर लीजिए सिंपल इसको हम्म ये हो गया आपके पास में इसको सोल्व करो कितना यही आएगा ना बीस बीस से बीस साठ बीस पांच सौ आएगा यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे यस ये 20 से कैंसिल आउट किया हमने थ्री दिस इज फाइव ओके एंड इसको कैंसिल किया मैंने कितना आ गया 90 कितना आ गया टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली अप्लाई करोगे ओके कितना आ गया आपके पास में फाइव एंड दिस इज वन एंड दिस इज यस हां जी कितनी वैल्यू आ गई इतना ही बनेगा देखो एक बार चेक करो फाइव फोर वन फोर फाइव फोर वन फोर अब देखो कौन सा बैटर है यहाँ पे कितना पे करना पड़ा फाइव सिक्स जीरो और यहाँ दैट मीन दिस इज कितने की सेविंग हो गई yes. अगर मैं बात करती हूँ फोर वन फोर सो दिस इज टू टू फिफ्टी फाइव रुपीज सो यू फिफ्टी फाइव रुपीज

फर्स्ट केस के अंदर फाइंड आउट करो तो टोटल मेरे पास में डिस्काउंट कितना बनेगा डिस्काउंट परसेंटेज कितनी बनेगी पहले इन दोनों पे चेक करेंगे 10 10 पे 10 10 पे कितना हो गया 10 10 सक्सेसिव लगा दोगे सीधा 10 10 minus, uh, 10 ये हो गए 10 10 100 ओके दैट मींस कि कितना हो गया 39 ओके okay. अब दूसरा क्या है आपके पास में थर्टी दूसरा क्या है हमारे पास में सॉरी ट्वेंटी ट्वेंटी ये हो गया ट्वेंटी से ये हो गया आपके पास टेन टेन एंड वन कितना हो गया आपके पास में ट्वेंटी नाइन ओके टेन 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 कितना बन जाएगा आपके पास में ट्वेंटी ट्वेंटी के अंदर से वन माइनस किया दैट मीनस नाइनटीन क्या लिखे जा रही हूं मैं यस दिस इज नाइनटीन ओके okay? अब उसके बाद में ये तो हो गया इन दोनों का अब हमें फाइंड आउट करना साथ में तीसरा भी तो है थर्टी का अब क्या करेंगे नाइनटीन और थर्टी का फाइंड आउट करेंगे नाइनटीन थर्टी माइनस नाइनटीन इंटू थर्टी डिवाइडेड बाय हंड्रेड कितना बना ये हो जाएगा आपके पास में डन इसको so, हम करेंगे वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में यस दिस विल बी बात करते हैं तो सेकंड में डिस्काउंट कितना बनेगा आपके पास में यस सेकंड सेकंड में क्या कह रहे हैं पहले फोर्टी और फाइव का कैलकुलेट करोगे फोर्टी एंड फाइव का हम कैलकुलेट करेंगे कितना हो गया फोर्टी प्लस फाइव माइनस फोर्टी इंटू फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड कितना हो गया फाइव फाइव में से टू माइनस किया दैट मीन की फोर्टी थ्री अब फोर्टी थ्री और फाइव के बीच में कैलकुलेशन करेंगे हम कितना आ गया फोर्टी थ्री प्लस फाइव माइनस फोर्टी थ्री इंटू फाइव बाई हंड्रेड ओके कितना हो जाएगा ये यस वैल्यू विल बी फोर्टी एट माइनस अगर इसको मैं दो से करती हूँ तो थोड़ी तो चार दो बारह हो गया टू पॉइंट ओके तो ये यहाँ पे आपके पास पे जो वैल्यू है ये कितनी बच जाएगी इतना ही बचेगा देखो दो से करेंगे दिस इज वन फाइव ना यस दिस इज टू पॉइंट वन फाइव सोल्व करेंगे सो द वैल्यू विल बी फोर्टी फाइव पॉइंट एट फाइव आप देखो यहाँ पे जो ओवरऑल डिस्काउंट बना है हमारा वो कितना बना है, yes. जो है case, okay? one, अभी उसके बाद अगर मैं देखूं तो सेविंग किस में ज्यादा होगी पे मुझे क्या मिल रहा है हाँ जी जिस पे मुझे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है तो सेविंग कितने परसेंट की होगी यहाँ पे आपके पास में यस yes, फोर्टी पॉइंट एट फाइव माइनस फोर्टी थ्री पॉइंट थ्री जीरो सो देखते फाइव फाइव परसेंट डन अगर मैं देखूंगी तो कितनी होगी टू पॉइंट फाइव फाइव इन टू यस दिस वैल्यू इज टेन थाउजेंड दो जीरो इसके साथ कैंसिल आउट होगी दो यहां पे कैंसिल आउट होगी दैट मीन की

कि आपके पास जो वैल्यूज है उनके अकॉर्डिंग तो ये ज्यादा इजी रह जाता है आपके पास में क्योंकि दो पे तो कैलकुलेट हमने तब, की तब ही कर लिया पे बट okay, अगर मान लो आपके पास में थ्री वैल्यूज गिवन है इन दैट केस दिस बिकम्स बेटर बट ये कब बेटर हुआ है अभी इसमें द वैल्यू वॉज टेन थाउजेंड हम डायरेक्टली जीरोज को कैंसिल आउट कर रहे थे क्लियर मतलब क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आई होप सभी कर लेंगे सभी कर लेंगे थोड़ा सा लेंथी हो गया नेक्स्ट देखते हैं यस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द डिफरेंस बिटवीन ए डिस्काउंट ऑफ थर्टी फाइव परसेंट कह जो डिफरेंस है किसके बीच में कह रहे हैं थर्टी फाइव परसेंट एंड टू सक्सेट ऑन ए सर्टेन बिल इज ट्वेंटी टू रुपीज द अमाउंट ऑफ बिल इज यस After doing द लास्ट क्वेश्चन नाउ इट बिकम वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू लास्ट क्वेश्चन हमने कर लिया उस पर हमें सारा मेथड पता चल गया अब ये काफी easy हो गया आपके लिए देखो क्या कह रहे हैं पहले के अंदर टोटल डिस्काउंट कितना है थर्टी फाइव का

कितना हो गया? 36%. और यहां पे क्या कह रहे कि डिफरेंस कितना है ट्वेंटी का है और हमेशा जो calculations होती द टोटल वैल्यू है total ना जो भी टोटल है तो यहाँ पे अगर हम देखे तो ये कह रहा है कि पूरे बिल के ऊपर कितनी है अपने पास में ट्वेंटी टू रुपीज का डिफरेंस आ रहा है that means what? कि यहां पे जो है, दिस इज वन परसेंट वन परसेंट दैट मीन वन बाई हंड्रेड ऑफ टोटल बिल इक्वल टू वी टू रुपीज दैट मीन की टोटल बिल अमाउंटी टू हंड्रेड बताइए हो गया बिल्कुल था ऐसे आ जाते हैं के अंदर okay? yes, देखिए है स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में ए सोल्ड एन आर्टिकल विद टेन परसेंट लोस ए ने एक आर्टिकल को टेन परसेंट लोस के अंदर सेल किया

तो उसको कितना लॉस होना था तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है कि एक है मान लीजिए उसको एम आर पी एक प्रोड़क्त है, प्रोड़क्त के MRP कितना लिखा हुआ है, 100 रुपीस मेंशन है, एक है A, A ने उसको परचेज किया है डिस्काउंट पे कितने डिस्काउंट पे उसने उसको परचेज किया ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट पे दैट लिए उसका सीपी कितना था ए के लिए उसका सीपी कितना, कितना हो गया

ये जो एटी रुपीज के अंदर जो उसका प्रोडक्ट उसने किया है, उसी प्रोडक्टेन परसेंट लोस के अंदर सेल करता That means कि उसका जो एसपी है वो कितना हो जाता है? 10 That means कि 8 अब आगे फर्दर क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको कि अगर वो उसको लेबल्ड प्राइस में परचेज करता जितना 100 का था ना तो अगर उसका सीपी उसको ₹100 रुपीज ही होता और उसको सेल कितने में करता सेम प्राइस में उसको सेल करता तो अब बताओ उसको कितना लॉस होता तो अगर हम यहाँ पे देखें तो लॉस कितना होता उसको यस दिस इज 28 ₹ अगर हम इसको परसेंटेज के अंदर देखते हैं तो 100 पे से किसी वैल्यू का हो कितना होता है परसेंटेज में होता दैट मींस कि 28 100 100 That means 28%. ये करने की जरूरत नहीं है आपको जब भी हम किसी वैल्यू को हंड्रेड पे कैलकुलेट करते हैं, है है ना? तो यहाँ पे का का उसको लॉस लॉस हो हो गया। गया। yes, कोई डाउट किसी को? हाँ जी, 72. 72 कैसे आया? कि को जी, कैसे देखो, CP है उसके पास में, अगर मैंने हंड्रेड कर ठीक है 80 into 90 by 100, that means 72. इतना करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट करा करो देखो 10 10% मतलब कितना हो गया यहाँ मींस 8. 8 कि कितने में बेचा उसने 72 रुपीस में ओके okay? क्लियर अब वो कह रहा है कि अगर उसको लेबल प्राइस पे खरीदता दैट मींस कि सीपी 100 था अभी उसने सेल किया 72 का, कि उसको लॉस कितने का, अभी 72 का हो रहा है ओके okay? एंड हम किसके रेफरेंस में चेक करेंगे जो उसका न्यू एस सी पी होगा ओके okay? यस yes. जी तो आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं 2023 के लिए 2020 थ्री के लिए तो उनके लिए अभी अभी पीढ़ी आप लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेके आया जिसके अंदर आपको कंप्लीट सी सेट का सिलेबस कवर कराया जाएगा यस yes, सारा रेलिवेंट सिलेबस अंदर आपको कराया जाएगा जैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं ठीक है तो जो भी स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहता है थ्री डेज का फ्री ट्रायल अवेलेबल है थ्री डेज का फ्री ट्रायल यहाँ पे अवेलेबल है आप इसको ज्वाइन कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां से आप लिंक को फॉलो करेंगे एंड देन यू कैन गो फॉर थ्री डेज ट्रायल डन लाइव क्लासेस है इन दिस यू विल गेट हंड्रेड प्लस लाइव क्लासेस ओके एंड विद ईच क्लास यू विल गेट माइक्रो टेस्ट यस माइक्रो टेस्ट अवेलेबल है एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल है इसके अलावा हर एक लेक्चर के साथ में आपको मिलेगी पीडीएफ एंड वेब नोट्स ओके So, काफी हेल्पफुल रहने वाला है ये वाला कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो सिर्फ ज्वाइन नहीं करना ज्वाइन करने के बाद में अगर आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करते हो सक्सेड इन योर सी सेट एग्जाम ओके क्वालिफाइंग है बट ये सोच के नहीं चलना कि जस्ट क्वालिफाइंग है 33% परसेंट लेना भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एग्जाम के अंदर ओके सो जस्ट टेक द ट्रायल ऑफ थ्री डेज नाउ

At the rate of per shirt. अब देखो, थोड़ा सा यहां पे 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 ध्यान रखना confusing है है? क्या क्या कह रहे? कि यहां पे total shirts given है, आपके पास में का जो चार्जेस गिवन है दिस इज टोटल चार्जेस टोटल चार्जेस ओके एंड हेयर दिस इज फॉर पर शर्ट ये एक शर्ट के लिए आगे देखो एंड लेबर चार्जेस वाज

उसको एक शर्ट का कॉस्ट कितना पड़ रहा है तो उसके लिए अगर हम देखें तो ने कितने में परचेज करी वन शर्ट अगर हम वन शर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या कह रहा है ₹225 की उसको शर्ट पड़ी 225 बट उसने ₹1400 रुपीज उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दी अच्छा 1400 है वो तो ओवरऑल सभी के ऊपर that means कि वन शर्ट का खर्चा तो नहीं है 1400 तो अगर मैं वन शर्ट का चेक करती हूं तो मुझे कितना पड़ेगा सिंपल yes, सा पॉइंट है उसके बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पे ऑक्टोरियर चार्जेस वन पॉइंट सेवन फाइव ये पर शर्ट है That means इसको हम ही लेंगे। अगर हम लेबर चार्ज की बात करें दिस इज थ्री ट्वेंटी रुपीज थ्री ट्वेंटी रुपीजे क्लियर तो अगर हम टोटल चार्जेस चेक करते हैं दिस इज टू ट्वेंटी फाइव प्लस अगर मैं इसको देखू तो ये हो गया मेरा चार से चार बारह चार पंजे बीस ओके अगर हम इसको देखते हैं तो ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में दिस विल बी एट पॉइंट सेवन फाइव यस इतना ही पड़ेगा यस yes, आगे देखिए दिस इज पॉइंट सेवन फाइव एंड इज टू टोटल सॉल्व करो सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपके पास में आठ और एक नौ दस टेन पॉइंट फाइव टेन पॉइंट फाइव एंड टू थर्टी फाइव पॉइंट हो गया और ये हो गया टूट मीन की टू थर्टी सेवन पॉइंट फाइव क्लियर? अब बात करें कि उसको ट्वेंटी तो में सेल करेगा कितने रुपए में सेल करेगा? यस yes, के ऊपर शर्ट थी अब उसको चाहिए ट्वेंटी परसेंट का प्रॉफिट दैट मीन की 120 उसका चाहिए आंसर जीरो हमने रिमूव कर दी सॉल्व yes, करेंगे सॉल्व करिए जस्ट ये कितना आ गया आपके पास में पचास है ना पांच से करो पांच से अगर मैं इसको करती हूँ तो ये हो गया मेरे पास पांचों के बीस पांच, पांच सात पैंतीस और पांच पांच पच्चीस फिर पांच से करते हैं इसको तो ये हो गया मेरे पास में पानी पैंतालीस पांच से दो हो गया पांच पांच पच्चीस ठीक है और ये हो गया हमारे पास में तीन कितना आ गया पांच तीन पंद्रह नौ तीन सत्ताईस और एक अट्ठाईस दैट मींस कि टू एट्टी फाइव कितना आ गया हमारे पास में टू एट्टी फाइव रुपीज क्लियर कोई इसमें डाउट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे एग्जाम के अंदर क्या कंफ्यूजन है अब जैसे यहीं पे है कहीं पे आपके पास में जो आ, एक्स्ट्रा चार्जेस सिंगल पीस पे गिवन है।, okay? तो है कि जब हम सिंगल के लिए फाइंड आउट करने हैं तो सभी का सिंगल सिंगल में ही चेक करोगे okay, उसको ओके नेक्स्ट देखिएगा ए मैन सोल्ड टू हाउसेज फोर सेवन पॉइंट एट लैख सेलिंग प्राइस गिवन है ऑन वन ही गेन फाइव परसेंट एंड ऑन द अदर ही लॉस फाइव परसेंट एक पे उसको पांच परसेंट का प्रोफिट हो रहा है तो दूसरे पे उसको पांच परसेंट का लॉस हो रहा है वट परसेंट इज द इफेक्ट ऑफ द सेल ऑन द होल ओवरऑल उसको कितने परसेंट का प्रोफिट या लॉस होगा ओके okay? तो सिंपल एक पॉइंट माइंड में रखना है जब भी आपके पास कोई भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कोई भी इस तरह से क्वेश्चन गिवन होता है इन दैट यू हैव सेम परसेंट ऑफ गेन एट वन एंड सेम परसेंट ऑफ लॉस ऑन द सेकेंड वन इन दैट केस हमेशा हमेशा क्या होगा लॉस होगा हमेशा क्या होगा आपके पास में लॉस होगा और लॉस कितना होगा दिस इज ए बाय जितनी भी वैल्यू गिवन आपके पास प्रॉफिट लॉस के उसका स्क्यर करो और उसको हंड्रेड से डिवाइड कर दो तो अगर मैं यहां पे कहती हूँ फाइव तो फाइव स्केर बाई हंड्रेड दैट मीनस की ट्वेंटी है तो जीरो क्या हो गया उसको लॉस होगा ओके सो आंसर विल बी लॉस ध्यान रखना गेन नहीं होगा कभी भी हमेशा लॉस होगा जीरो okay? अगर थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट और है अपने पास में आ, कि मैंने अभी आपको एक सक्सेसिव success, कर रहे थे हमें अभी है ना डिस्काउंट पे जब हम कर रहे थे तो वो भी यहाँ पे अप्लाई करके चेक कर सकते हो देखो एक पे हो रहा है हमें ओवरऑल अगर मैंने परसेंटेज चेंज कर रहे हैं ओवरऑल परसेंटेज कितना करोगे देखो फर्स्ट के ऊपर गेन हो रहा है कैंसिल आउट हो गया और वैल्यू तो क्या आ गया आपके पास में माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव और जो माइनस है माइनस क्या डिनोट करता है दिस इज डिनोटिंग द लॉस ओके सो आंसर विल बी जीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट लोस

कि एक आर्टिकल है उसको ट्वेंटी फाइव परसेंट पे सेल कर दिया ठीक है ट्वेंटी फाइव परसेंट प्रोफिट पे सेल कर दिया अब बात आ रही है कि अगर वो जो आर्टिकल है ठीक है ना उसका सीपी और एसपी दोनों को इंक्रीज करा बाई सम अमाउंट कुछ अमाउंट से उसने उसको चेंज कर दिया अब बताओ कि कह रहा है कि जो ओवरऑल उसको प्रॉफिट था ना वो पहले ट्वेंटी फाइव परसेंट का था अब फिफ्टीन परसेंट लेस का हो रहा है दैट मीन्स कि अभी उसको टेन परसेंट का हो रहा है तो बताओ कि कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा आर्टिकल का

तो अगर मैं सीपी और एसपी की रेशियो चेक करूं तो मेरे पास में रेशियो क्या रहेगी yes, this is 4, अब यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है इंक्रीमेंट इज नोट इन परसेंटेज अगर वैल्यू परसेंटेज में गिवन होते इन दैट केस आप डायरेक्टली फोर और फाइव के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे बट यहाँ पे वैल्यू में है

मार्क प्राइस की रेशियो बताइए का सेम है दोनों का डिस्काउंट आपके पास रूपये ए कंपनी का ए रूप है और बी कंपनी का बी रुपये है।, है, है।, है, है अब देखो सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे सेलिंग प्राइस डिस्काउंट के बाद में क्या आएगा आपके पास में यस yes. अगर हम बात करते हैं

ओके okay, फिर उसने ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट दिया दैट मीन कि कितना रह गया एट्टी ओके नाउ इट बिकम वेरी इजी यस कैंसिल आउट कर दो जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसके बाद में ये जीरो इसके साथ कैंसिल आउट होगी ठीक है और उसके बाद आप इसको कैंसिल आउट करेंगे जो भी कैंसिल आउट होता कर दो ये फाइव के साथ हो गया नाउ ए बाई बी ए बाई बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में

तो सारे इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए साथ साथ में कंसेप्ट अपना साथ साथ क्लियर करते हुए चलो ओके सो स्टूडेंट्स इट वॉज ऑल फॉर टूडे नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे तो so, जो स्टूडेंट्स थ्री डेज का ट्रायल लेना चाहते हैं थ्री डेज का ट्रायल अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है इसके अलावा एक कॉन्टेक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अगर आपको कोई भी कोई भी क्यूरी है रिगार्डिंग द कोर्स इन दैट केस यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दैट नंबर ओके सो थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में